एनसीसी राजस्थान के उप महानिदेशक एयर कमोडोर आर शंकर ने मंगलवार को टूराज नेवल एनसीसी यूनिट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने एयर कमोडोर आर शंकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान उन्होंने अनासागर झील पर नई बनी नेवल बोट जेटी का भी उद्घाटन किया। उप महानिदेशक आर शंकर द्वारा जैसे ही रिबन काटा गया, पूरा वातावरण कैडेट्स की तालियों से गूंज उठा। उप महानिदेशक ने टूराज नेवल यूनिट एनसीसी के कमान अधिकारी कमांडर रणधीर सिंह पूनिया के साथ बोटिंग का भी आनंद लिया। ठंडी हवाओं और अजमेर के खुशनुमा मौसम ने इस जेटी के उद्घाटन में चार चांद लगा दिए। इस दौरान अजमेर स्थित सभी एनसीसी यूनिट के कमान अधिकारी और जयपुर नेवल यूनिट के कमान अधिकारी कप्तान शिवलाल भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद उप महानिदेशक आर शंकर ने कहा कि जेटी के बनने के बाद कैडेट्स का प्रशिक्षण काफी रफ्तार पकड़ेगा और बोट पुलिंग ओवर सेलिंग के लिए यह जेटी एक सुरक्षित मंच साबित होगी। उन्होंने जेटी को निर्मित करवाने के लिए कमान अधिकारी कमांडर आर एस पूनिया और समस्त स्टाफ को बधाई दी। इस दौरान कमांडर रणधीर सिंह पूनिया ने कहा कि यह जेटी अनासागर झील को साफ सुथरा रखने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी, क्योंकि इसके साथ कैडेट्स का प्रशिक्षण और उनका भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है। इस दौरान सभी कैडेट्स ने अनासागर झील को साफ रखने का प्रण लिया। ये एक मैकेनिकल फ्लोटिंग जेटी है। इससे नेवल जो ट्रेनिंग है, जो कैडेट्स का जो बोट में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, उसका सेफ्टी एनहांस हो जाएगा इस जेटी से। अभी बाकी सारे नेवल हमारे जो यूनिट है वहां भी ये लागू किया जाएगा। नौसैनिक कैडेट्स जो पहले बोट को पानी में फिजिकली उतारते थे, उसके बाद में पैदल चल के आधा घुटनों तक पानी में जाके उसके अंदर चढ़ते थे, आधे भीग जाते थे, कभी फिसल जाते थे, कभी गिर जाते थे, उसके बावजूद भी ट्रेनिंग किया करते थे। आज हमने उस ट्रेनिंग को और सपोर्ट करने के लिए अच्छा बनाते हुए एक जेटी का उद्घाटन किया है, जिसके कारण से कैडेट्स अभी बोट जेटी के साइड में आ जाती है, बोट पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, सेफ्टी एनहांस हुई है।